Hi guys, my name is Nitish and you are welcome to my podcast. So this is going to be the second podcast. अब आज का podcast बहुत special है because I'm going to share a philosophy जो मैं personally बहुत believe करता हूँ वो मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ. And since I'm a teacher, I think मेरा काम है अगर मैंने कुछ सीखा है अपनी life में तो मुझे आपको वो easy तरीके से समझाना है. ठीक है, that's my task. सो उस टास्क के लिए, इस फिलॉसफी को समझाने के लिए आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी. ठीक है, एक स्टोरी सुनेंगे और फिर हम उस फिलॉसफी को डिस्कस करेंगे. सो छोटी सी कहानी है और बहुत ही मज़ेदार कहानी है. सो कहानी स्टार्ट करने के पहले आई वॉन्ट यू टू मीट द कैरेक्टर्स. ठीक है, हर कहानी में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं तो मैं पहले आपको उन कैरेक्टर्स से मिलाना चाहता हूँ. एंड गेस व्हाट, आप उन कैरेक्टर्स से पहले मिल चुके हो. सो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार आंख बंद करो और अपने स्कूल के किसी क्लास को इमेजिन करो जब आप बचपन में स्कूल जाते थे, या फिर आप कॉलेज को भी इमेजिन कर सकते हो. दोनों जगहों पे ये बात ट्रू रहेगी. सो मैं अगर आंख बंद करके इमेजिन करूँ ना अपने क्लास को, किसी भी क्लास को अपने स्कूल में, तो अलग अलग टाइप के बच्चे होते थे क्लास में. ठीक है, सो मैं आपको पहले टाइप के बच्चे से मिलाता हूँ. सो जो पहला टाइप का बच्चा होता था ना उसको हम टॉपर बुलाते हैं. ठीक है, जो कुछ ऐसा दिखाई देता है. टॉपर्स सबको पता है, वो लोग जो टॉप करते हैं, सभी के चहेते होते हैं, सभी के प्यारे होते हैं, थोड़े से नखरे मारते हैं, बट जो भी हैं टॉपर्स होते हैं. ठीक है, और कुछ ऐसे दिखाई देते हैं. ये हो गया हमारा पहला कैरेक्टर. अब हमारा अगला कैरेक्टर है वो बच्चे जो पढ़ने में अच्छे हैं बट कभी टॉप नहीं मार पाते, जो कि कुछ ऐसे दिखाई देते हैं. सो ये वो लोग हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं और दे नो दे आर गुड, बट अनफॉर्चुनेटली वो कभी टॉप नहीं मार पाते. और ये उनको बहुत अफेक्ट करता है बिकॉज हर कोई उनको यही सुनाता है तो क्या हुआ, टॉप ही मार लेते, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो नहीं आए ना. तो ये लोग थोड़े से ना अंदर से अच्छे हो जाते हैं, इनका नेचर थोड़ा अच्छा हो जाता है बिकॉज इन्होंने हमेशा एक कमी देखी है अपनी लाइफ में कि यार मैं हूँ अच्छा बट सबसे अच्छा नहीं हो पा रहा. तो ये लोग थोड़े से हेल्पफुल नेचर के हो जाते हैं. ये वो लोग होते हैं क्लास में जो टॉपर्स को और जो पीछे वाले बच्चे हैं जो थोड़ा फेल वेल करते हैं उनको जोड़ के साथ में चलने वाले लोग हैं, थोड़ा मैनेज करना ये लोग सीख जाते हैं अपनी लाइफ में. ठीक है, उसके बाद लेट्स मीट द थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल और स्टूडेंट्स. सो दिस इज द थर्ड कैटेगरी. ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको पता है कि मैं टॉप नहीं कर सकता. ठीक है, ये वो लोग हैं, इनको समझदारी है कि मैं टॉप नहीं कर सकता. वॉट दे डू इज दे जस्ट मेक श्योर कि मैं कभी फेल भी नहीं होऊंगा. इनके अंदर दिमाग शार्प है, बस ऐसे समझ लो कि ये गलत क्लासरूम में बैठे हैं. ठीक है, इट्स लाइक इनको कॉमर्स में इंटरेस्ट है बट साइंस की क्लास में बैठे हैं, बट दिमाग इतना शार्प है कि फेल नहीं होंगे इतना पता है. और उनको ये भी पता है कि यार बाहर निकल के मैं अपनी लाइफ में कुछ कर लूंगा. ये वो बंदे हैं. अगला जो कैटेगरी है ये लोग हैं जो क्लास के मैं जो उनको गुंडे बुलाता हूँ. सो ये वो लोग हैं जो क्लास में घुसते हैं, कॉलर थोड़ा ऊपर करके रखते हैं, ऐसे कॉपी नचाते हुए क्लास में घुसते हैं, आपके कंधे पैसे मारेंगे हाथ और बोलेंगे और भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम हुआ तो बताना. ठीक है, सो क्लास के थोड़े से लाइफ को इन्जॉय करने वाले लोग, और कुछ भी झगड़ा हो जाए तो बोलना भाई किसने मारा टाइप्स एटीट्यूड वाले लोग हैं ये. बेसिकली मज़ेदार लोग क्लास के. ठीक है, ये लोग पढ़ने में तो ऑब्वियसली अच्छे नहीं होते. उसके बाद अगला कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट इज दिस. सो दिस गाय इज एक्चुअली द मेन गुंडा ऑफ द क्लास. ही इज द गाय जिससे सब डरते हैं, इवन पिछली कैटेगरी वाले लोग. इवन टीचर्स भी इनको ज़्यादा नहीं डांटते बिकॉज दे फील कि यार छोड़ो इन लोग से क्या बात करनी, ये लोग फालतू लोग हैं और गुंडागर्दी करेगा, इन लोग का कोई फ्यूचर नहीं है. ये वो बंदा है. ठीक है, सो दिस इज द फिफ्थ कैटेगरी. एंड द लास्ट कैटेगरी इज दिस, जहाँ पर मैं इनको बुलाऊंगा क्लास के साइकोस. सो अगर आप आंख बंद करके इमेजिन करो तो शायद आप अग्री करोगे कि हर क्लास में एक या दो बंदे ऐसे होते हैं जो थोड़े से अजीब होते हैं. मतलब वो ऐसे करके बैठ के ऊपर देख रहे हैं या फिर कहीं और खिड़की से बाहर देख रहे हैं, और उनका कभी भी क्लास में जो हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है. दे आर लाइक आउट ऑफ दिस क्लास, दे आर जस्ट सिटिंग देयर, देयर बॉडी इज प्रेजेंट माइंड इज एब्सेंट. और उनसे थोड़ा सा डर लगता है कि कुछ वियर्ड चीज़ ना करते आ रही है, तू आराम से बैठा रहे, वैसी फीलिंग आती है. तो ये अपने कुछ कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में. ठीक है, अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ. ये एरो देख रहे हो,
ये एरो रिप्रेजेंट करता है वैल्यू इन सोसाइटी, मतलब इन सभी लोगों को सोसाइटी कितना वैल्यू करती है। एंड यू कैन सी सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलता है टॉपर्स को, हर किसी के पसंदीदा होते हैं और हर कोई चाहता है कि यार मेरा बच्चा टॉपर्स की तरह हो, राइट। उसके बाद अपने सेकेंड रैंक वाले बंदे जो ठीक है बेचारे अच्छे हैं बट उनको हमेशा ये बोला जाता है पर टॉपर तो नहीं होना। उसके बाद वो बंदा जो क्लास में बेचारा रहता है बट कुछ खास नहीं उखाड़ पा रहा, वो बस पास होकर निकलना चाहता है, फिर अपने गुंडे, फिर अपने गुंडों का राजा और उसके बाद साइको। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू टॉपर्स को और लीस्ट वैल्यू मिलता है साइको ऑफ द क्लास को, ठीक है। अब यहीं से हमारी कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है। सो मैं एक टीचर हूँ और मैंने एक क्लासरूम में हमेशा देखा है बच्चों को और मैंने क्लासीफाई भी किया है कि ये इस कैटेगरी का बच्चा है। बट गेस व्हाट, मैंने इन बच्चों को बड़ा होते हुए भी देखा है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कि जब ये बच्चे बड़ा होते हैं, अपने लाइफ में आगे जाते हैं, अपने करियर में आगे जाते हैं, तो क्या होता है, वही कहानी मुझे आपके साथ शेयर करनी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपर, ठीक है। ये वो बच्चे हैं जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आते हैं हमेशा और सबके प्यारे हैं, चाहते हैं। ये बच्चे जहाँ भी बैठते हैं दे आर सक्सेसफुल। तो ये स्कूल से निकले, इन्होंने IIT JEE दिया, IIT निकाला, बढ़िया कॉलेज में घुस गए, उन्होंने 4 साल पढ़ाई की, बढ़िया कंपनी ने इनको हायर किया, बढ़िया पैकेज पे हायर किया, 1 करोड़ का पैकेज है आई गेस। और अभी ये कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं और लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, मे बी बाहर सेटल्ड हैं, एक वाइफ है, बच्चे हैं, गाड़ी है, मकान है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बट एक दिन क्या हुआ कि बंदा सॉफ्टवेयर में काम करता था और रिसेशन आ गया, बहुत तगड़ा रिसेशन, ठीक है। और इसकी जॉब चली गई आउट ऑफ नोवेयर। अब इसने बहुत सारे EMIs वगैरह ले रखे थे, लोन्स ले रखे थे, ये बेचारा टेंशन में बैठा हुआ था एक कैफ़े में, ठीक है, कि यार क्या करें, फंस गए। तभी इसको ये दूसरा बंदा दिखाई देता है, पता है बंदा कौन है? ये वो बंदा है जो क्लास में टॉप नहीं मार पाता था, जस्ट टॉपर के बाद वाला बंदा। और इसकी कहानी पता है क्या है, ये इसने भी एग्ज़ाम्स दिए 12th के बाद बट इसके एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हुए, तो इसने थोड़ा सा कम से अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके पढ़ाई की, वहाँ पे भी कुछ नहीं हो पाया, तो फिर उसने MBA किया। MBA में गेस व्हाट, ये बहुत अच्छा स्टूडेंट निकला क्योंकि अपेरेंटली बचपन से ये मैनेज कर रहा है हर चीज़ को, लोगों के बीच में मैनेज कर रहा है, अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज कर रहा है, तो ये मैनेजमेंट में अच्छा निकल गया। और मैनेजमेंट के बाद इसको तगड़ा पैकेज मिला एंड नाउ ही इज़ अ मैनेजर, ठीक है। ही मैनेजेस अ बिग टीम इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन और तगड़ा कमा रहा है बंदा, एंड ये इसको मिल गया। तो दोनों एक दूसरे को पहचान गए, तो अपने टॉपर ने बोला भाई ये परेशानी है मेरी लाइफ में, तो ये बंदा तो जानता ही था यार, ये तो टॉपर है अपनी क्लास का, इसको तो काफ़ी चीज़ें आती हैं। तो इसने बोला तू टेंशन मत ले, मेरी कंपनी में आ जा, मेरी कंपनी में भी है तेरे जैसे लोगों की ज़रूरत, तू ज्वाइन कर ले। दोनों खुश, दोनों बात कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। तो टॉपर ने पूछा अच्छा ये तो ठीक है, तेरी कंपनी, तू है कौन सी कंपनी में, तू कहाँ पे काम करता है? तो ही सेड यार मैं तो एक बड़े से स्टार्टअप में काम करता हूँ, काफ़ी फंडिंग वंडिंग उठाई है हमने। तो टॉपर ने पूछा कि कौन है भाई अपना फाउंडर कौन है? तो उसने बोला यार वो बंदा याद है जो क्लास में हमारे पीछे रहता था, थर्ड कैटेगरी वाला बंदा, इसको कभी भी क्लास में पढ़ने में मज़ा नहीं आता था, दिमाग था इसमें बट ये कभी भी कुछ खास नहीं करता था। तो इसने भी क्या किया, एग्ज़ाम्स दिए 12th के बाद, नहीं निकला इंजीनियरिंग तो किसी छोटे मोटे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, उसके बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो ये MBA करने चला गया। MBA में भी इसको अच्छा कॉलेज नहीं मिला, तो इसने एंड में दिल पे लिया और बोला हटाओ साला, अब मुझे क्लासेस करनी ही नहीं है, अब मुझे क्या करना है, खुद का बिजनेस खोलना है, क्योंकि मुझे बचपन से वही करना था। और यार 10 साल इसने रगड़ा है और क्या कंपनी बनाई है इसने, अभी तो लोग फाड़ के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एंड दिस कंपनी इज गोइंग टू बिकम अ यूनिकॉर्न। तो मैं इसको मिला और इसने मुझे हायर कर लिया। टॉपर बोला ये तो सही है भाई। तो अब ये दोनों गए फाउंडर के ऑफिस में, CEO के ऑफिस में, उससे मिलने की, यार चलो मिलते हैं। तो जैसे ही उसके ऑफिस में गए तो वो बंदा थोड़ा टेंशन में था। टेंशन में क्यों था, क्योंकि उसने जो नया ऑफिस खोला है किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में, वहाँ पर कुछ लैंड रिलेटेड इशू हो रहा है, कोई उनके ऑफिस के आसपास पंगे ले रहा है जिसकी वजह से उनका ऑपरेशंस थोड़े से ख़राब हो रहे हैं। तो ये जो अपना सेकंड वाला बंदा है जिसको सब कुछ मैनेज करने की आदत है, सबको साथ में लेके चलने की आदत है, उसने सजेस्ट किया यार ये बात पुलिस से हैंडल नहीं होगी, कुछ बाहर से करना पड़ेगा। याद है अपने वो दोस्त जो कॉलेज में गुंडे हुआ करते थे, जो मस्ती करते थे, कॉपी घुमाते हुए आते थे, वो लोग अभी भी वही काम करते हैं और आजकल ऐसे दिखाई देते हैं, और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ में काम करते हैं और खूब इस तरह के काम करते हैं, चलो इनके पास।
और ये तीनों गए उस गुंडे के पास और जाके उसको बोला कि देख देख भाई मेरा ये इशू है। सब मिलके खुश हुए। अब उस गुंडे ने बोला देख भाई ये इशू तो थोड़ा मेरे सर के ऊपर की बात है, आई कैन नॉट रिजॉल्व इट, सो आई कैन डू वन थिंग, एमएलए साहब से तुम लोगों को मिला देते हैं और वो तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो तीनों ने पूछा भाई एमएलए कौन है, तो अपना गुंडा बोलता है यार वो याद है ना गुंडों का गुंडा अपना, वो उसके बाद कॉलेज के बाद स्कूल के बाद पॉलिटिक्स में उतर गया, काफ़ी ग्राउंड वर्क किया, एक दो बार जेल जा चुका है और अब देखो एमएलए बन चुका है दिस गाय। और अब ये चारों गए उस एमएलए के ऑफिस में, बट एमएलए फ़ोन पे बात कर रहा था और थोड़ा दुखी था, शॉक था। तो इन चारों ने पूछा क्या हुआ भाई, हुआ क्या? तो एमएलए बोलता है यार हमारी सरकार गिर गई, कोई एक पागल है उसने धरना दिया और हमारी सरकार गिर गई। तो ये चारों पूछते हैं कौन है वो, किसने धरना दिया, किसने गिराई सरकार? इस बंदे ने, पता है कौन है, अपने क्लास का साइको, जिसको सभी बोल रहे थे लाइफ में तू क्या करेगा, इसने कुछ क्रेजी ही कर दिया। सो यही है वो कहानी गाइस, यही कहानी मुझे आपको सुनानी है। आई नो शायद आप हंस रहे होगे इस पॉइंट पे, बट एक चीज नोटिस करना स्क्रीन पे, ये जो एरो दिख रहा है ना आपको, वैल्यू इन सोसाइटी, इसका डायरेक्शन अभी भी सेम है। अब देखो चीजें एकदम पलट गई, जिस साइको को कोई इज्जत नहीं करता था जब वो स्कूल में था, अब देखो सोसाइटी उसको सबसे ज्यादा इज्जत कर रही है, ही इज ऑन टॉप ऑफ द फूड चेन, और हमारा टॉपर जो सबसे आगे निकला हुआ था वो समहाउ सबसे पीछे दिखाई दे रहा है। यही है हमारी कहानी, क्या सीखे? इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हर कुत्ते का दिन आता है अगर वो अपना ब्रीड चेंज ना करे। आई गेस आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ, हर कुत्ते का दिन आता है अगर वो अपना ब्रीड चेंज ना करे। अब आई नो आप क्या बोल रहे होगे, आप बोल रहे होगे मैं नहीं मानता ये फिलॉसफी में, ये कहानी तूने बनाई है, आई डोंट बिलीव इट। तो चलो मैं आपको दूसरे तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ, आई विल गिव यू अ रियल लाइफ एग्जाम्पल जहाँ पे ये फिलॉसफी काम कर रही है। द रियल लाइफ एग्जाम्पल इज मी, मैं हूँ इस फिलॉसफी का एग्जाम्पल। मैं आपको थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ। मैंने 2013 में इंजीनियरिंग पास की थी और मेरे इंजीनियरिंग के प्रोसेस में जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, मैंने अपने कॉलेज में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। आई वॉज द हेड ऑफ माई रोबोटिका सोसाइटी, तो मैं वहाँ पे अपने जूनियर्स को पढ़ाता था एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगता था लोगों को पढ़ाना एंड आई रियली इंजॉयड द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ऑफलाइन टीचिंग। तो दैट वॉज वन थिंग जो मैंने कॉलेज में किया। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वॉच्ड अ मूवी, दिस मूवी कॉल्ड द सोशल नेटवर्क, इट्स अबाउट फेसबुक, फेसबुक की कहानी दिखाई है उस मूवी में और इट्स अ ग्रेट मूवी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दिस मूवी इम्पैक्टेड मी एंड इट गेव मी दिस आइडिया कि यार स्टार्टअप करते हैं, बिजनेस में घुसते हैं। ठीक है, तो मैं दो फिलॉसफीज लेके कॉलेज से निकला, दो आइडियाज़ लेके निकला, पहला पढ़ाना जो मुझे बहुत पसंद आया और दूसरा एक बहुत ग्लैमरस सी चीज़ मुझे दिखाई दी, स्टार्टअप करना। ठीक है, अब इन दोनों फिलॉसफीज़ में, इन दोनों आइडियाज़ में बहुत डिफरेंसेस थे। पहला आइडिया जो था टीचिंग का, अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत पसंद था बट सोसाइटी में उतना रिस्पेक्ट नहीं था टीचिंग का एज अ प्रोफेशन। आप जानते हो इंडिया में अगर आप बोल दो ना किसी को कि आई एम ए टीचर, तो वो आपको देख के बोलेगा अच्छा तो फिर आगे का क्या प्लान कर रहे हो, राइट? उस तरीके से रिस्पेक्टफुली टीचिंग को एज अ प्रोफेशन नहीं देखा जाता। वेयर एज मुझे बहुत स्टाइलिश लगा स्टार्टअप का आइडिया, ऑन्टरप्रिनोरशिप का आइडिया। तो इवन तो मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा था, कॉलेज के बाद आई वेंट इन द वे ऑफ स्टार्टअप्स, ऑन्टरप्रिनोरशिप, मैंने अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया। अब स्टार्टअप क्या था, उसका आइडिया क्या था, वो कभी और डिस्कस करेंगे, बट मैंने अपनी लाइफ के 4 साल 2013 से लेके 2017 तक स्टार्टअप बनाने में, स्टार्टअप बिल्ड करने में वेस्ट किए, आई वुड नॉट से वेस्ट किए बट स्पेंड किए। तीन अलग स्टार्टअप्स, तीन अलग आइडियाज़, पहला फेल हुआ, दूसरा दूसरा फेल हुआ, तीसरा, एंड गेस वॉट, कोई भी स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं हो पाया, हम कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए एंड आई फेल्ड 3 times। अब इन 4 सालों में मैंने सीखा तो बहुत कुछ, बट एक क्यूरियोसिटी शायद आपके मन में आ रही होगी कि अगर स्टार्टअप नहीं चलता था तो तुम खाते कैसे थे, पैसा कैसे कमाते थे। तो मैं इन 4 सालों में मेरा जो भी सस्टेनेंस था, जो भी कमाई थी,
वो एक्चुअली टीचिंग के थ्रू आई. सो आई यूज टू लिव इन कोलकाता ड्यूरिंग दैट पीरियड, एंड उस पीरियड में आई स्टार्टेड टीचिंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ऑफ कोलकाता वेरियस टेक्नोलॉजीज, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड, रोबोटिक्स, धीरे धीरे मशीन लर्निंग स्टार्ट हुआ. तो इन सारी चीज़ों को मैं पढ़ता रहता था, तो मैं पढ़ाने भी लग गया. और गेस व्हाट, उससे मुझे काफ़ी मतलब आई यूज़ टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय जस्ट टीचिंग इन वेरियस कॉलेजेस या फिर बाहर रिटेल में. बट जो भी है, 2017 में जब मेरा थर्ड स्टार्टअप फेल हुआ ना, तो मैंने बैठ के सोचा यार हो क्या रहा है, मतलब मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पास दिमाग भी है, चीज़ें क्लिक क्यों नहीं कर रही. तो आई रियलाइज्ड कि यार देखो, मैं पढ़ाने में अच्छा हूँ बट मैं स्टार्टअप्स बिल्ड कर रहा हूँ सोशल नेटवर्किंग टाइप के. तो एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट आर फोर्थ आइडिया, बट इस बार एजुकेशन के डोमेन में स्टार्ट करते हैं. क्योंकि पढ़ाने में अच्छा हूँ तो फिर स्टार्टअप भी करते हैं पढ़ाने के डोमेन में. एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड इन 2018 दिस वेबसाइट कॉल्ड कैंपस एक्स. इट वॉज बेसिकली अ मेंटोरशिप प्रोग्राम. आज भी अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपको वो डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा, मैंने हटाया नहीं है. वो स्टार्ट किया मैंने और बहुत बढ़िया चलने लग गया. ठीक है, 2018-19 बहुत अच्छा चला, मतलब आई वॉज प्रॉफिटेबल राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, बिजनेस वॉज गुड. एंड देन 2020 आया. 2020 मतलब कोविड, और कोविड के आते ही सब कुछ जो ऑफलाइन था वो बंद हो गया. एंड इट वॉज अ सैड डे फॉर मी, बिकॉज इन अ वे मेरा फोर्थ स्टार्टअप फेल किया. चौथी बार मेरी वजह से नहीं हुआ था, बट स्टिल फेलियर फेलियर होता है. मैं फिर से बैठा और मैंने सोचा यार चल क्या रहा है, मतलब 7 साल हो गए और वो लेवल पे तो नहीं पहुंच पा रहे हैं जिस लेवल पे मार्क जकरबर्ग 6 महीनों में पहुंच गया था, हो क्या रहा है. तब मुझे कहानी समझ में आई. देन आई रियलाइज्ड कि यार यहाँ पे तो एक लव ट्राइंगल चल रहा है. तीन लोग इन्वॉल्व हैं, एक मैं हूँ जो पागलों की तरह भाग रहा हूँ, दूसरा मेरी क्रश स्टार्टअप फाउंडर बनने का आइडिया, और तीसरा एक ऐसी बंदी जो मुझे बहुत प्यार करती है अनकंडीशनली, मेरा टीचिंग पैशन. सो जब भी मैं पागलों की तरह अपने क्रश के पीछे भागा, जिसको बाय द वे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जिंदा हूँ या मर गया, ये जो बंदी है ना जो मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरा टीचिंग प्रोफेशन, मेरा पैशन, इसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया पूरे टाइम, और मैंने कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया. मैं शर्माता था यार, मैं कभी किसी को नहीं बोलता था कि आई एम अ टीचर. मैं हमेशा बोलता था आई एम अ स्टार्टअप फाउंडर, साइड से टीचिंग कर रहे हैं बिकॉज आई एंजॉय टीचिंग, आई एम नॉट अ टीचर. ठीक है, ये मेरे दिमाग में था. एंड दैट्स व्हेन आई फेल्ट, ये चीज़ मेरे को आके हिट की कि यार मैं क्यों घबरा रहा हूँ. सोसाइटी सोच रही है कि पढ़ाना अच्छा नहीं है, स्टाइलिश नहीं है, दैट्स वाई मैं इतना भिचक रहा हूँ लोगों को बताने से कि आई एम अ टीचर. जब भी मैंने पढ़ाया आई गॉट गुड फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स, तो मुझे शर्म किस बात की. एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि आई एम अ टीचर. मैंने खुद को समझाया, यू आर अ टीचर, कोई तुझसे पूछे तुझे एक ही बात बोलनी है, आई एम अ टीचर, आई एम एन एजुकेटर, मैं पढ़ाता हूँ. एंड दैट वॉज द डे व्हेन आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल. ऑल दो पहले से था यूट्यूब चैनल, बट एक्टिवली मैंने काम करना स्टार्ट किया. एंड टुडे 2 साल हो गए, 23,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचे हैं. आई गेस किसी भी स्केल पे आई एम नॉट सक्सेसफुल, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ, बट आई कैन टेल यू कि अगर मैं इसी तरीके से काम करता रहा, इतनी शिद्दत के साथ, इतनी मेहनत के साथ वीडियो डालता रहा, तो अभी तक आप लोगों ने जो मुझे बोला है ना, जो आपके कमेंट्स में है ना, मेरे को लगता है कि आई कैन बिकम सक्सेसफुल इन दिस डोमेन. आई थिंक आई कैन. ठीक है, 10 साल बाद शायद मैं आपको और क्लियरली बता पाऊंगा, बट अभी तो यही स्टेटस है कि आई एम डूइंग द थिंग दैट आई एंजॉय द मोस्ट, एंड आई एम अ डॉग ऑफ माई ओन ब्रीड. मैं उसको चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहा, इनफैक्ट मैं डेली मेहनत करता हूँ उसको और ओरिजिनल बनाने का और स्ट्रांग बनाने का. मेरे लिए कोई सैटरडे नहीं है, मेरे लिए कोई मंडे नहीं है, सब बराबर है. मैं कहीं भी बैठता हूँ, मैं सोचने लगता हूँ अपने काम के बारे में, आई रियली इन्जॉय इट. एंड दैट्स द फिलोसफी, डोंट चेंज योर ब्रीड. अपना दिन आएगा, ठीक है, वो है ना, अपना टाइम आएगा, वो सेम चीज़ है यहाँ पर. क्यों ये काम करती है फिलोसफी, बहुत सिंपल से इसका इसके पीछे आंसर है. आंसर बस इतना है, ये फिलोसफी इसलिए काम करती है बिकॉज अगर आप अपने पैशन को परस्यू कर रहे हो तो फिर क्या होता है ना कि आपको काम काम नहीं लगता. आप एक ऐसी गाड़ी बन जाते हो जिसके पास इनफाइनाइट पेट्रोल है. कितने भी फेलियर आए, आप इंजॉय करते हो अपना काम करना. आई इंजॉय टीचिंग, मैं सो के उठ के पढ़ा सकता हूँ, मैं एक्स्ट्रा मेहनत करके पढ़ा सकता हूँ, मैं संडेज़ को पढ़ा सकता हूँ, मैं फ्राइडेज़ को पढ़ा सकता हूँ, इट डज़ नॉट मैटर, आई रियली इंजॉय इट. तो दैट्स माई स्टोरी. अब आई डोंट नो आपको ये रेलिवेंट लगा कि नहीं लगा, बट जो भी है मैं आपसे आपको
एक बात कहना चाहूँगा, आप जो भी कर रहे हो इस पॉइंट पे एक बार बैठ के सोचना जो मैंने पिछले 15-20 मिनट में आपको बात बोली है। अगर आपको लगता है तो फिर आप भी सोचो आपकी ब्रीड क्या है, खोजो, पता करो और ट्राई करो उस पर स्टिक करने का। मुझे सच में लगता है इट इज़ अ शॉर्टकट टू सक्सेस, इट इज़ अ ईजियर वे टू सक्सेस, इट इज़ द एल्गोरिथम टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, सो या दैट्स इट, मुझे इतना ही बोलना था आपसे। और बाय द वे, हाय, माय नेम इज़ नितिश एंड आई एम अ टीचर। आप क्या हो?